कि क्या तमाशा लगा है? कुछ चिल्ला रहे मिगो? अंकल अंकल चॉकलेट दो ना। मैं गोला बिस्कुट बेचने वाला दिख रहा है क्या? बोले चॉकलेट दो ना। अंकल अंकल तुम छोटू दादा हो ना जो मोबाइल में आते बजा रहे? वो बहुत ही चबरा दिख रहा है तू। कह रहे तू अंकल अंकल तुम्हारा रिक्शा कहाँ है? ओ रिक्शा की सगी। वो मैं तेरे को रिक्शा ड्राइवर दिख रहा है क्या? वो मैं पोस्टमैन है। पोस्टमैन स्पाइडरमैन मैं को तो सुपरमैन मालूम है। पोस्टमैन कौन उल्लू का पट्टा है? अरे उल्लू का पिल्लो। भाग रही है ऐसे। अरे मेरे बाप अब ये काई की आवाज आ रही। हाँ मालूम किसकी गंदी अड़वा ले ये। अरे छोटू अच्छा हुआ तू आ गया बा, मैं तेरे ही रास्ता देख रहा था। और क्या रही है बच्चे वाली साइकिल? अरे पलवान अरे बड़ी साइकिल पे मेरे पैर नहीं पुरते, बच्चे वाली साइकिल चला रहा मैं। अरे वो सब छोड़, ये बता कि क्या काम है? अरे पलवान तू ये बता मेरे को ये बड़े दूध वाले कौन है रे? क्या बोला रे? बे ऐसा बोलना भी मत, नहीं तो बहुत मार खाएगा। अरे बड़े सेठ दूध वाले कहाँ रहते? ऐसा बोल नहीं तो वो सेठ है ना तेरे कान पट्टे ही बोट डालेंगे। पहलवान जो लिखे ले वही बोलूंगा ना मैं। देखो पढ़ते आता तो ले पर। अरे मीकू का दे रहा बा, मैं खुद अंगूठे बहादुर है। और सुन बड़े सेठ दूध वाले बोलना है? अरे वो बहुत सनकेल खोपड़ी का है वो सेठ, उसके सामने तो वो बकना मत। अरे अब तू ये बता ये रहता का? ऐसा ऐसा सीधे जाना और उल्टे हाथ पे पलट जाना। वो जो अतिक्रमण पे शेड बने लेना वही सेठ का घर है। चल ठीक है चल चलता मैं। और एक बात बता पलट तू मेरा रास्ता क्यों देख रहा है? क्या काम है मेरे से? वो क्या है ना मेरी मनी ऑर्डर आये ले, तूने लाया कि नहीं? तेरी कोई मनी ऑर्डर नहीं आये ले? नहीं आये ले? लेकिन मेरे भाई ने तो बोला कि 4 दिन पहले भेज दिया मैंने। नहीं आये ले तो मेरे जेब से दू क्या? नहीं तेरा मतलब मेरा भाई झूठ बोल रहा करे? अरे तू पोस्ट ऑफिस से जब बाहर निकलता ना तो इंक्वायरी करके निकला कर। रिका में काम मैं नहीं करता, तू पोस्ट ऑफिस से इंक्वायरी कर ले। हैं रिका में काम? रिटायर्ड काहे को बोल रहा, पगार काहे की लेता तू? सुन सरकारी कर्मचारी पब्लिक के नौकर है और नौकरी बन के रह तू। तू पगार दे रहे मेरे को? हाँ बोले नौकर बन के रहे। ये बात तो पक्की है कि मेरे भाई ने पैसे भिजाया। एक बात बता तूने कहा तो नहीं ले रहे पैसे? पलवान अब पैसे उससे मैंने नहीं खाया। अरा तू मेरा भेजा मत का, नहीं तो क्या करेंगे रे? अरे अब भी पुलिस को फोन लगा के बोल दूंगा तू सरकारी कर्मचारी को धमकी दे रहा बेटा। पुलिस आके ना तेरा पिछवाड़ा ही सुझा देंगी। नहीं रे बा का लॉकडाउन की याद दिला रहा, मैं खुद जाके पोस्ट ऑफिस पे इंक्वायरी कर लूंगा। अरे तो मैं भी पोस्ट ऑफिस जा रहा, तू का पैदल तक रहा चल यार। ना मैं पैदल मारता। टोपी सही कर छोटू। ए पोस्टमैन बाबू, ए पोस्टमैन बाबू। वाह पलवान, देख वो सामने पोस्ट ऑफिस है, चल निकल और पैदल पैदल चल के पहुंच जा चल। अबे ये क्या बात हुई? अबे आधे रास्ते में उतार दे रहा। अबे चल निकल, तो कौन सा भाड़ा लिया रे मैंने जो बोले रास्ते में छोड़ दे रहा। चल निकल। ओह नो, साइड साइड से जाना। चल जाऊंगा मैं कैसे भी, मेरे को मत सिखा। क्या बोल रही? ए छोटू मेरा प्रेम पत्र आया क्या? प्रेम पत्र तो नहीं आया। ओए मां पन्नी प्रेम पुत्र आया। बोल मेरी रानी। चल बंकर सही बोलना, मेरे मामू का खत आया क्या? अरे आना मेरी रानी आया ना, तेरा तेरा प्रेम पत्र। अरे तेरे वास्ते तो पोस्टमैन बना मैं कसम से। चल फिर पढ़ के बता। सुना फिर। सुन मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया खुश रहे? हाँ मामा मैं बहुत खुश हूँ। और पढ़ और पढ़। तेरी माँ ने ना लड़के का फोटो भेजी पर मेरे हिसाब से ना वो तेरे लिए ठीक नहीं है, और तू तो मेरी परी है ना। जियो मेरे मामा, आगे पढ़ आगे पढ़। मेरी परी के वास्ते तो अच्छा खूबसूरत सजादा चाहिए। देख बेटा गुंडी तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का होगा तो बता मेरे को, मैं तेरी शादी उससे करा दूंगा। वाह मामू वाह, आई लव यू सो मच। जियो मेरे मामू, मामू हो तो मेरे मामू जैसे। पढ़ना छोटो और पढ़। अर्जुन सरकारी नौकरी वाला ढूंढ,
तेरा भविष्य अच्छा रहेगा। चल नमस्ते तेरा प्यारा मामा। मेरे बारे में क्या ख्याल है तेरा? हाँ? ये भी लिखा है उसने। तेरे मामू मेरे बारे में ही बोल रहे हैं ये समाज। फिर बोल क्या बोलती मेरे बारे में? मैं क्या बोलूँ? देख मेरे मामा कितना ख्याल रखता मेरा। मैं ना मेरे मामा की बहुत लाडली है। बात मत काट, क्या मेरे बारे में कुछ सोचती? बोल तू मेरे लिए क्या कर सकता? ताजमहल बना सकता? बना सकता, पहले तू मर के तो बता। तेरे पे मरती इतना काफी नहीं क्या? और बोले मर के बता। अरे क्या गुस्से में आ रही? बोल रहा तेरे मामू को, अरे रानी बना के रखूंगा तिको मैं। ठीक है ठीक है, सोचती मैं। अरे आप क्या सोच रही? सरकारी नौकरी है, 2 लाख का बीमा है, अच्छा होना बल्ले पत्रे। ठीक है ठीक है, तेरा एक अच्छा वाला फोटो लाके दे, पर सुन अच्छे कपड़े पहन के निकालना फोटो। ये कपड़ों में तो प्यून लगता स्कूल का। चल चलती मैं। पोस्टमैन लोगों के घर में झगड़े लगाते फिर रहे तू? अरे बोल हो गया। अरे कल तूने मेरी औरत को खत लाके दिया था ना? अरे मैंने लाके दिया था। अरे मेरी ड्यूटी है तो मैं लाके दूंगा ना, कौन लाके देगा? अरे ड्यूटी के बच्चे, अरे किसका खत लाके दे दिया तूने? अरे मेरी औरत मायके जा रही, अरे तलाक मांग रही हो तलाक मेरे से? तलाक मांग रही? ऐसा क्या लिखेल तेरे खत में? अरे इसमें ऐसा लिखेल है के बच्चे तुमको बहुत याद कर रहे और मेरे को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही। अब छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम्हारी प्यारी कुलसुम, ऐसा लिखे लो उसमें। कौन है रे ये कुलसुम? अरे मेरे को क्या मालूम कौन है ये कुलसुम। अरे घर से शेरू नाम लिखेल था ना, मैंने तुम्हारे घर पे लाके दिया ना, इसमें मेरी क्या गलती है बोलो तू? वो मेरा खत नहीं है, मेरा नाम शेर खान है, लोग मेरे को शेरा भी बोलते है। शेरू कौन कमीने क्या मालूम? अब क्या करते हैं बोलो। ए? क्या करूं? अरे चल मेरे घर पे और मेरी औरत को बोल क्या मैं शेरू नहीं है। अबे चल जा उधर ही, तू निपट्टे पे। मैंने एक से पूछा शेरू कहाँ रहता, तेरा घर बताया, मत देखे मुकला हो गया। अबे अबे पोस्ट मैंने क्या जा मैं तू। अबे मेरा नाम शेरू है, ये शेर खान कौन है रे चपंडुल? अरे जिब्रिया चपंडुल किसको बोला रे? मैं शेर खान। तू शेर खान है क्या? अरे माफ करना यार, अरे तेरा खत इसने मुझे ला के दे दिया। अच्छा तो तेरी औरत का नाम कुलसुम है? मेरे को कैसे मालूम रे कि मेरी औरत का नाम कुलसुम है? दोनों का ना तो चक्कर है। अरे ओ घनचक्कर, पहले तू मेरी औरत के पास चल। अरे शेरू पहले तू इसके घर पे जा और इसके औरत को बता कि मेरा नाम शेरू है। इसके औरत इस पे बहुत तड़केल है। अरे पन इसके औरत से मेरा क्या सम्मान है, मैं काहे को जाऊं इसके घर पे, तड़के लूंगी तो होन दो। अरे साने तेरी वजह से इतना बवाल हुए ला मेरे घर पे, तू चल साथ में नहीं तो मेरे हाथ से कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। अरे क्या कम ज्यादा होगा, और मेरे अंग में काहे को घुस रहा तू? अरे झिपरिया मैं बताता तेको, अरे इसका खतना तेरे घर पे आ गया, तेरा खतना इसके घर पे चल गया। अरे मगर ये तो पोस्टमैन की गलती है ना, ये क्या है अंधेरी वाला मेरे सिर पे आ गई। अरे बंदर चुपचाप तू मेरे घर पे चल और मेरी औरत को कसम खा के बोल क्या कुलसुम तेरी औरत का नाम है, और उसको ये भी बोलना क्या वो खत मेरा नहीं तेरा है बस। अरे नहीं रे बा, मैं नहीं आ रहा तेरे घर पे, मेरी औरत अगर मुझे पकड़ के धो डालेगी तो मेरी कुलसुम का क्या? अरे तुझे तो क्या तेरे बाप को भी चलना पड़ेगा। अरे मैं नहीं आ रहा तेको बोल दे रहा। अरे चल। अरे मैं नहीं आ रहा रे, चलना पड़ेगा। मैं आऊंगा ही नहीं। अरे तेरे अच्छे को चलना पड़ेगा। तुम दोनों आपस में मत लड़ो, असली फसाद की जलना ये। तुम दोनों का घर इसने बताया था। हाँ फिर कभी कभी नेकी के काम कर लेता मैं। अरे पीके इसका मतलब असली फसाद की जड़ तू है? अब क्या कर दिया मैंने? अबे तेरी गलती की वजह से ना इसका खत उसको चल गया और उसका खत उसको आ गया, वो बवाल खड़े कर दिया तूने। इसका उसको उसका उसको पीके यहाँ से जल्दी से किसको? मत, अभी तू चल मेरे घर पे और मेरी औरत को बोल कि ये सब बवाल तेरी वजह से हुआ। तो मेरी क्या गलती है? खत मैंने दिया क्या? खत ये पोस्टमैन ने दिए ले। एक तो नेकी करो।
अरे बाप ये सेना है घर पे जा और इसकी औरत से माफी मांग के अपनी गलती कबूल कर ले, बाद में मत कर देता ना तेरी लैन। अरे फिर तो मतलब यूं चलता दूंगा मैं, मगर मेरे भाई के पैसे कौन देगा? मैं तेरे दारू के पैसे मैं दूंगा। और आप इसके घर पे जाके ना ये लफड़ा खत्म कर। अब तू ये मेरे भाई आज क्या केले? अरे बाटली के हस्ते तो मैं कुएं में कूद सकता। ए पीके यही नौटंकी मत कर, जल्दी चलने तो मेरी औरत मायके चल जाएगी। अगर मेरी औरत मायके गई ना तो सबके औरत को मायके भेज दूंगा, समझे क्या? अरे सिप्रिया चल तेरा भी घात ले ले घर से। अरे नमस्ते मोहन काका। नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है ना? बेटा सब कुशल मंगल है, पर तू कैसी है ये बता। बस आपका आशीर्वाद है काका, ठीक है ना? अरे हाँ काका, रमेश तुम्हारा फौजी जवान अपने गांव का सम्मान कैसा है? अरे बहुत अच्छा है मेरा बेटा, पहले कश्मीर में था अब राजस्थान के बॉर्डर पे है। अरे काका उम्र हो गई तुम्हारी और तबीयत भी सही नहीं रहती, बुला लो रमेश को तुम्हारे पास, देखभाल करेगा तुम्हारी। ना बेटी ना, मुझसे कहीं ज्यादा देश की देखभाल और उसके रक्षा की जरूरत है। अरे बेटा डटे रहने दे उसे वहाँ पर। वाह काका वाह, क्या भावना है देश के लिए तुम्हारी, पर तुम्हारी तबीयत वैसे तुमको ठीक से नजर भी नहीं आता। अरे जिसका जवान बेटा देश का रक्षक हो उसका बाप तो हमेशा खुश ही रहता है ना, क्योंकि उसका मान सम्मान उसका बेटा ही तो है। तुम्हारे बेटे का कद। अरे भगवान उसकी उम्र लंबी करे, बस हम दोनों उसकी बात कर रहे थे। चल फिर बेटा तू ही पढ़ के सुना दे, क्योंकि मेरी तो नजर कमजोर हो गई ना। पिताजी नमस्ते, तुम्हारी तबीयत की चिंता रहती है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, मैं यहाँ पे एकदम ठीक हूँ। बेटा और पढ़ आगे क्या लिखा है? पिताजी आपने खत में लिखा कि आपकी तबीयत भली चंगी है और आप रोज 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब तुम्हारा चश्मा भी उतर गए और तुम्हें सब साफ साफ दिखाई देता है। बस काका अब इससे आगे मैं नहीं पढ़ सकता। अरे ये खुशी के आंसू ना हमारी आँख से नहीं आसमान भी बाहर आए। काका तुम एक आदर्श पिता है और आपका बेटा हमारे गांव का मान सम्मान है। अरे काका तुम फिक्र मत करो, अरे आओ मैं ना अब गाँव वाले तुम्हारा ख्याल रखेंगे।